कैसे हो आप लोग। सो या आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल यूजेस है, लाइक वो हेयर के लिए भी काफी अच्छा है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। सो जैसे कि ना सीजन चेंज होता है वैसे ही हमारे हेयर में भी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है और स्किन में भी होनी स्टार्ट हो जाती है। हेयर में जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लगती है, फ्रिजीनेस होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है और हेयर फॉल की वजह से जो हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाते हैं, हेयर में ग्रोथ नहीं हो पाती। और ना अगर आपने हेयर में कलर किया है, हेयर कलर करने के बाद हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो इन सारी हेयर प्रॉब्लम से ये ट्रीट करता है। एंड फॉर स्किन, अगर आपकी स्किन पर सन टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, पफिनेस, फाइन लाइन एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो स्किन की ये सारी प्रॉब्लम से ये ट्रीट करता है। सो मैं बात कर रही हूँ बाय द ब्रांड सोल फ्लावर। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज कोल्ड प्रेस कोकोनट कैनियर ऑयल, प्योर एंड नेचुरल। एंड सेकेंड इज रोजमेरी इसेंशियल ऑयल। सो गाइस, दिस प्रोडक्ट इज इंडियाज फर्स्ट फार्म टू फेस ब्यूटी ब्रांड। सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। दिस इज द कोकोनट कैरियर ऑयल जो कि प्योर एंड नेचुरल है। इसमें कोई भी अदर इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल से बनाया गया है, जिसकी क्वांटिटी है 225 ml की और इस पर लिखा हुआ है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन और हेयर टाइप के लिए है। और ये जो प्रोडक्ट है ये 100% नेचुरल है, ECG सर्टिफाइड है, क्रियोलिटी फ्री है और इसकी MRP है 350 rupees की। और गाइस आप जानते ही हो कोकोनट ऑयल में जो है बहुत सारे विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट एंड फैटी एसिड्स होते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू योर स्किन एंड हेयर। सो गाइस अब बात करते हैं कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है ये आपके हेयर को हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है रूट्स, स्कैल्प और फॉलिकल्स पर, और सपोर्ट करता है हेल्दी हेयर ग्रोथ होने में, रिड्यूस करता है डैंड्रफ और फ्रिजीनेस को, और सूथ करता है ड्राई स्कैल्प और आपकी स्किन को, और ये एज अ कंडीशनिंग की तरह भी काम करता है जिससे आपके हेयर को स्ट्रेटनिंग नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, और इसको आप एज अ मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं रोजमेरी इसेंशियल ऑयल के बारे में। तो ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है, इसमें कोई भी अदर इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया गया है। सोल फ्लावर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाए जाते हैं। और गाइस अगर आप मार्केट में देखो ना तो आपको बहुत तरीके के रोजमेरी इसेंशियल ऑयल मिल जाएंगे, बट उसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड किए गए होते हैं, आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो रोजमेरी इसेंशियल ऑयल है इसकी क्वांटिटी है 15 ml की, और इसको आप हेयर के लिए भी यूज कर सकते हो और स्किन के लिए भी यूज कर सकते हो। ये आपके हेयर को थिक और स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है और इसकी MRP है 450 rupees की। सो गाइस रोजमेरी इसेंशियल ऑयल के जो बेनिफिट्स है फॉर हेयर, ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, अगर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो आपकी वो हेयर थिनिंग को थिक और स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प करता है। फॉर स्किन, आपकी ब्लैमिशेस, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। द थर्ड बेनिफिट्स फॉर अरोमाथेरेपी, द गुडनेस ऑफ रोजमेरी इसेंशियल ऑयल हेल्प्स यू रिलैक्सेशन, इम्प्रूविंग मेमोरी एंड क्लैरिटी। तो गाइस हेयर में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोकोनट ऑयल के 2 tablespoons एक बाउल में ऐड करना है। अगर आपके पास ये कोकोनट ऑयल नहीं है तो पैराशूट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो। 2 tablespoons मैंने इसमें ऐड कर लिए। उसके बाद आपको ऐड करना है रोजमेरी इसेंशियल ऑयल, तो इसके 6 to 7 drops आपको इसमें ऐड करने हैं और अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। स्पून से मिक्स करने के बाद आपको हेयर में अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से स्कैल्प में अप्लाई करते जाइए 1 by 1। इससे क्या होगा, जो भी डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, वो रिड्यूस हो जाएगी और आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सो ये मैं सेकेंड बार यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट बार मैंने यूज़ कर लिया है और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सो अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है इस तरीके से पूरा अपने हेयर के स्कैल्प में। सो स्कैल्प में अप्लाई करने से क्या होता है ना, आपका हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छे से आपको अप्लाई करने के बाद इस तरीके से मसाज कर लीजिए और ओवरनाइट छोड़ दीजिए। और स्किन पे लगाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सबसे पहले वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल। थोड़ा सा मैं एक बाउल में ऐड करूँगी, आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद मैं रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्किन पे अप्लाई करने के लिए ना मैं एलोवेरा जेल के साथ में ही कोई भी प्रोडक्ट ऐड करके अप्लाई करना पसंद करती हूँ। तो कोकोनट ऑयल भी आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा डालकर स्किन पे लगा सकते हो। अच्छे से आपको फेस पर अप्लाई कर लेना है और इसको भी आप ओवरनाइट लगाओगे तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और ये जो मैंने एलोवेरा जेल के साथ में आपको बताया, ये स्टेप आप हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, यार दैट इज फॉर द टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट्स परचेज करने होंगे तो आपको बाय लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर चेकआउट करिएगा। और कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो या आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय।